एंड स्टूडेंट्स, दिस इज आदिल एजाज अहमद। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर आदिल एजाज अहमद आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत खास टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं, जो है डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। जैसे डियर स्टूडेंट्स, मैंने पिछले लेक्चर्स में डिस्कस किया क्रोमोसोमल थ्योरी में कि वहां पे जैसे मेंडल्स था, स्टोन था एंड मॉर्जन्स ने ये कंफर्म किया कि क्रोमोसोम्स हैविंग द जेनेटिक मटेरियल्स, यानी वहां पे ये चीज कंफर्म हुआ कि क्रोमोसोम्स क्या कर रहा है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल कर रहा है। बाद में जब स्टडी हुआ क्रोमोसोम्स की स्ट्रक्चर के हवाले से, तो वहां पे क्रोमोसोम्स में दो क्रोमोसोम्स बना हुआ था दो चीजों से, उसमें प्रोटीन भी मौजूद था, उसमें डीएनए भी मौजूद था। तो यहां से थोड़ा सा कंफ्यूजन काज हुआ कि अभी जो है कैरेक्टर्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन डीएनए ट्रांसफर कर रहा है या स्टोन प्रोटीन ट्रांसफर कर रहा है। तो इस कंफ्यूजन करने दूर करने के लिए यहां पे सबसे पहले एविडेंस पेश हुआ फ्रेडरिक क्रिप्ट का। डेसोस क्रोमोसोमल थ्योरी में, एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, क्रोमोसोमल थ्योरी में ये कंफर्म हुआ कि क्रोमोसोम्स जो है जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कर रहा है, कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में मुंतकिल कर रहा है क्रोमोसोम्स। बाद में वो ये आया था कि क्रोमोसोम तो दो चीजों से बना हुआ है, उसमें प्रोटीन भी है, उसमें डीएनए भी है। अब प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर कर रहा है कैरेक्टर्स या डीएनए ट्रांसफर कर रहा है। तो सबसे पहले जो है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हैड कंफर्म्ड दैट हेरिडिटरी यूनिट्स आर फाउंड इन द क्रोमोसोम्स, यानी ये कंफर्म हुआ क्रोमोसोमल थ्योरी में कि जो यूनिट्स है हेरिडिटरी वो क्रोमोसोम्स में मौजूद है। क्रोमोसोम्स कंटेंट्स, आप क्रोमोसोम जो है दो चीजों से बना हुआ, स्टोन प्रोटीन प्लस डीएनए। तो कंफ्यूजन है, लास्ट में बात है कि अब स्टोन प्रोटीन क्रिएटर्स ट्रांसफर कर रहा है या डीएनए ट्रांसफर कर रहा है। तो सबसे पहले फ्रेडरिक ग्रिप एक साइंटिस्ट आया था, कब, 1828, give first evidence of hereditary materials। ये क्रोमोसोम्स के बारे में स्टडी नहीं कर रहा था, इसको अचानक कुछ ये कुछ चीज बना रहा था, यानी ये एक बैक्टीरिया पर काम कर रहा था, तो उसको कुछ एविडेंस मिल रहा है जेनेटिक हवाले से। तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया जो है, या इसको निमोनोकोकस भी कहते हैं, निमोनोकोकस भी कहते हैं, इस बैक्टीरिया पर काम कर रहा था। इस बैक्टीरिया की दो टाइप्स है, एक को हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म, एक को हम कहते हैं म्यूटेंट फॉर्म, या इसका दूसरा फॉर्म है इसको हम कहते हैं एस फॉर्म। एस फॉर्म का मतलब यानी स्मूथ फॉर्म, स्मूथ बैक्टीरिया, एस का मतलब स्मूथ एंड स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस, एक है रफ स्ट्रेप्टोकोकस, दो बैक्टीरिया है। स्मूथ क्यों कहते हैं, क्योंकि इस बैक्टीरिया के ऊपर जो है एक कैप्साइड मौजूद है, इस बैक्टीरिया के ऊपर नहीं है, जिसके ऊपर कैप्साइड है डियर स्टूडेंट्स उसको हम स्मूथ कहते हैं, क्योंकि उसका जो है रफ फॉर्म जो है वो कैप्साइड के नीचे, कैप्साइड ने उस रफ फॉर्म को क्या किया, कवर किया है, कैप्साइड मौजूद है। स्मूथ और शाइनी, इसको शाइनी जो है बैक्टीरिया भी कहते हैं। इसके ऊपर पॉलीसेक्राइड कैप्साइड मौजूद है, इसके ऊपर नो कैप्साइड, नो एंजाइम, नो, ये जो है नॉन वायरलेंट बैक्टीरिया है। नॉन वायरलेंट का मतलब ये डिजीज काज नहीं कर रहे हैं, नॉन पैथोजेनिक है, ये वायरलेंट बैक्टीरिया है। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर बता रहा हूं, ग्रेव एक साइंटिस्ट था 1828 में, इसने सबसे पहले एविडेंस पेश किया। इसने स्ट्रेप्टोकोकस के बारे में स्टडी कर रहा था, तो उसको स्ट्रेप्टोकोकस की दो टाइप्स थे, एक था स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस, एक था रफ। स्मूथ वो था जिसके ऊपर कैप्साइड मौजूद था, रफ वो था जिसके ऊपर कैप्साइड मौजूद नहीं था। अब स्मूथ जो है वो जो है वायरलेंट है, पैथोजेनिक है, डिजीज काज कर रहा है। अब जो है जिसके ऊपर रफ है वो क्या है, नॉन वायरलेंट है। तो इस बैक्टीरिया से इसने क्या चीज मालूम हुआ, इसके अंदर इसको ट्रांसफॉर्मेशन मालूम हुआ। अब ट्रांसफॉर्मेशन की हम टच नहीं करते, एक्सपेरिमेंट की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसने सबसे पहले ग्रेव एक्सपेरिमेंट से था, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट, उसने स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस उठाया, कौन सा बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया जिसके ऊपर कैप्साइड मौजूद है। इस कैप्साइड वाले बैक्टीरिया को उठाकर इसका इंजेक्शन बनाया, उसको इंजेक्ट किया कहां पे, माइस के अंदर, जूए के अंदर उसने क्या किया, इंजेक्ट किया। अब इसकी वजह से आफ्टर इंजेक्शन ये माइस क्या हुआ, ये चूहा मर गया, बेचारा चला गया इस दुनिया से, ठीक है, बात खत्म। कि ये जो है स्मूथ की वजह से, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से ये मर गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया, रक्त जो स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया है उसको उठाकर इंजेक्शन बनाया, वो इंजेक्ट किया चूहे के अंदर, आफ्टर इंजेक्शन माइस लाइव, ये नहीं मर गया। तो इससे कंफर्म हुआ कि ये जो स्मूथ बैक्टीरिया है, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस है, इसके ऊपर कैप्साइड है, वो कैप्साइड क्या कर रहा है, इसके जीनोम को प्रोटेक्शन कर रहा है, इसकी वजह से मर गया। ये वायरलेंट है, ये पैथोजेनिक है, ये इसके ऊपर कैप्साइड नहीं है तो ये वायरलेंट नहीं है, नॉन पैथोजेनिक है, ये डिजीज काज नहीं कर रहा है, क्योंकि इसकी वजह से जो चूहा था वो नहीं मर गया। दूसरा, उसने इस बैक्टीरिया को उठाकर थोड़ा सा हीट दिया, हीट के जरिए से उसको किल्ड किया, मार दिया, टेम्परेचर की वजह से टेम्परेचर बढ़ाया, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया। अब स्मूथ बैक्टीरिया किल्ड किया, इसकी वजह से इसका कैप्साइड
भी बेचारा डिस्ट्रॉय हुआ क्योंकि टेम्परेचर जो है इंक्रीज हुआ, तो इसका कैप्सिड तबाह हुआ। अब इसका इंजेक्शन बनाया ठोसा, हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया, इसका हीट के जरिए से किल्ड किया, फिर उसको चूहे के अंदर इंजेक्ट किया। आफ्टर इंजेक्शन माइसला जो चूहा था वो जिंदा है, तो इसे कंफर्म हुआ कि इसकी हीट की वजह से मर गया और ये जो है चूहा बच गया। फिर उसने क्या किया लास्ट एक्सपेरिमेंट में, एक्सपेरिमेंट नंबर 4 में उसने क्या किया, ईट किल्ड बैक्टीरिया को, इस ईट किल्ड बैक्टीरिया को और नॉन पैथोजेनिक को, रट बैक्टीरिया को जिंदा, दोनों को कंबाइन किया, मिक्सचर बनाया, फिर इंजेक्शन बनाया और उसको इंजेक्ट किया। एक बार फिर बता रहा हूं, हीट किल्ड स्मूथ यानी स्ट्रेप्टोकोकस, स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस और जिंदा रब स्ट्रेप्टोकोकस को मिक्सचर बनाया, इंजेक्शन बनाया, उस इंजेक्शन को चूहे के अंदर इंजेक्ट किया, उसके वजह से चूहा मर गया। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ कि चूहे यहां पे तो कुछ है जो इस स्मूथ बैक्टीरिया से ट्रांसफर हुआ नॉन पैथोजेनिक में, यहां से उसको थोड़ा सा ख्याल आया। अब दूसरे और काम नहीं किया, काम दूसरे साइंटिस्ट ने किया, इसने सिर्फ बताया कि क्या है ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इट इज द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन सेल टू इनदर सेल कैन अल्टर द जेनेटिक मेकअप ऑफ द अदर रिस्पेन या रिसेप्टर्स। ठीक है, यानी ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब यह है कि कुछ चीजें जो हैं जो ट्रांसफर हो रहा है एक सेल से किल्ड सेल से लाइव जो जिंदा सेल है उसकी तरफ ट्रांसफर हो रहा है और उसकी जेनेटिक मेकअप में चेंजिंग पैदा कर रहा है। इसका मतलब यह है कि इसकी जो डीएनए है, इसका जीनोम है, वो ट्रांसफर होकर जो नॉन पैथोजेनिक है उसकी जीनोम के अंदर जो है चेंजिंग पैदा करते हैं, उसकी वजह से क्या हुआ यह मर गया। इसने एक स्मूथ लगा दिया मर गया, तो इसे कंफर्म है कि ये पैथोजेनिक है, रब लगा दिया जिंदा बच गया, फिर उसको किल्ड किया स्मूथ को, लगा दिया नहीं मर गया, तो इसका मतलब ये मर गया क्योंकि इसका कैप्सिड खत्म हुआ, जब दोनों को कंबाइन किया तो उसकी वजह से मर गया। अब उसने ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात की है कि कुछ जो है जो ट्रांसफर हो रहा है, अब उस और डिटेल उसने बात नहीं किया। फिर तीन साइंटिस्ट आए थे, कितने साइंटिस्ट, एक था वेरी मेस्किल जो है मेसलेंट मेसलेट एंड मेसकॉटी, तीन साइंटिस्ट आए थे। इसने 14 साल या 16 साल बाद आया था इसके बाद 1944 में सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय थ्री साइंटिस्ट रिपीटेड, इसने सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किया, एक नहीं दो नहीं बल्कि बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट की। ठीक है, कौन सा रिपीट किया, ग्रिफ्ट मॉडल एक्सपेरिमेंट को, इस साइंटिस्ट ने इस ग्रिफ्ट एक्सपेरिमेंट जो है दोबारा रिपीट किया, बार बार रिपीट किया, उससे क्या मालूम हुआ, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बनाया। पहला, फर्स्ट प्रिपेयर द मिक्सचर ऑफ डेड स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस एंड लाइव रफ स्ट्रेप्टोकोकस, एक मिक्सचर बनाया था। सबसे पहला काम उसने जो डेड जो मर गया जो किल बैक्टीरिया है उस किल बैक्टीरिया जो स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस है उसका एक मिक्सचर बनाया। दूसरा, उसने लाइव रफ स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया का मिक्सचर बनाया। दूसरा काम, रिमूव द प्रोटीन, उसने प्रोटीन को रिमूव किया कंप्लीटली, 90% जो है पॉइंट परसेंट जो है उसने 99% उसने रिमूव किया। रिमूव द कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स बाय द डिफरेंट एंजाइम्स, उसने कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स को भी रिमूव किया, किस तरह रिमूव किया मैं वहां पे बता दूंगा। फोर नंबर पे उसने क्या किया, रिमूव द आरएनए, आरएनए को रिमूव किया किस चीज के जरिए से, डाइजेस्टिंग एंजाइम के जरिए से, जिसको आरएनएज एंजाइम कहते हैं, आरएनएज के जरिए से आरएनए को रिमूव किया। दूसरा, डीएनए को रिमूव किया, डाइजेस्टिंग एंजाइम जो है डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं, डीएनएज एंजाइम। अब देखिए यहां पे आ जाओ, थोड़ा सा मिक्सचर बनाया जैसे मैंने कहा सबसे पहले उसने जो है ईट किल्ड बैक्टीरिया स्मूथ बैक्टीरिया का मिक्सचर बनाया। दूसरा, उसने बनाया रफ लाइव से जिंदा नॉन पैथोजेनिक सेल का जो है बैक्टीरिया का मिक्सचर बनाया। एक जो है स्मूथ किल्ड बैक्टीरिया है, एक वो बैक्टीरिया जो पैथोजेनिक है लेकिन किल्ड हुआ है ईट के जरिए से, उसका मिक्सचर। दूसरा, उसने जिंदा सेल का मिक्सचर, रब सिल का, ठीक है, जिसके ऊपर कैप्सिड नहीं है तो उसका मिक्स, दोनों का मिक्सचर बनाया। सबसे पहले ये मिक्सर इधर रखो, काम देखिए, दोनों मिक्सचर बन गया, रब सिल्स का और ईट सिल का। इस सिल का क्या किया, रिमूव द कार्बोहाइड्रेट्स लिपिड्स बाय एंजाइम, सबसे पहले इस मिक्सचर से उसने कार्बोहाइड्रेट लिपिड्स को रिमूव किया, खत्म किया, निकाल दिया, उसको पिंग दिया, किस के जरिए से, एंजाइम के जरिए से, रे गया इसके अंदर। ये मिक्सचर नहीं चलाया, इस मिक्सचर के अंदर अभी तीन चीजें मौजूद हैं, एक है आरएनए, दूसरा है प्रोटीन, तीसरा है डीएनए। अब मालूम कर रहा है कि कौन सा चीज है जो ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है, जो चीजों को ट्रांसफर कर रहा है। तो यहां पे उसने सबसे पहले इस मिक्सचर को उठाकर इसके अंदर ऐड किया एंजाइम्स, कौन से एंजाइम, प्रोटीनेज एंजाइम ऐड किया इस मिक्सचर के अंदर, जो ईट किल्ड बैक्टीरिया है उसके अंदर क्या डाल दिया, ऐड किया प्रोटीनेज एंजाइम, वो एंजाइम जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करते हैं,
जब डाल दिया तो डेफिनेटली उस एंजाइम ने प्रोटीन को खत्म किया, डाइजेस्ट किया, नो प्रोटीन, इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं रह गया। तो उसने क्या किया, इस सॉल्यूशन को जो प्रोटीन खत्म किया तो उसका सॉल्यूशन जो है इसका मिक्सचर के अंदर क्या चीज डाल दिया, लाइव सेल, वो उठाकर रब सेल जिंदा सेल उठाकर इसके अंदर डाल दिया। जब डाल दिया तो यहां पे यस सेल अपीयर, उसको यस सेल दोबारा नजर आया, जिंदा सेल नजर आया इसके अंदर, तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स, यहां पे भी ट्रांसफॉर्मेशन नजर आया, यानी जिंदा सेल बन गया। तो यहां से कंफर्म हुआ कि प्रोटीन जो है ये करेक्टर्स ट्रांसफर नहीं कर रहा है, प्रोटीन खत्म किया तो प्रोटीन से कोई तब्दीली नहीं आया। दूसरा उसने क्या किया, इसके अंदर ये सॉल्यूशन के अंदर दूसरा एंजाइम ऐड किया, आरएनएज एंजाइम, उस आरएनएज एंजाइम की वजह से आरएनए खत्म हुआ। जब आरएनए खत्म हुआ तो इस आरएनए सॉल्यूशन जिसमें आरएनए नहीं है, नो आरएनए, वो सॉल्यूशन को उठाकर उसके अंदर दोबारा वो लाइव सेल डाल दिया, जिंदा सेल डाल दिया, यानी रब सेल डाल दिया, नॉन पैथोजेनिक सेल डाल दिया। तो जब देखा तो उसके अंदर दोबारा पैथोजेनिक यानी यस स्मूथ पैथोजेनिक या स्मूथ स्ट्रेप्टोकोकस नजर आया था। यहां पे देखिए ये भी स्मूथ है, ये भी, दोनों को नजर आया, यहां पे नजर आया था। तो यहां से भी कंफर्म हुआ कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आकर हुआ, तो इससे भी कंफर्म हुआ ना प्रोटीन जो है वो ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है, ना आरएनए जो है ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है, ये दोनों जो है जीन्स या करेक्टर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकता, इसका काम नहीं है। लास्ट में उसने क्या किया, वही सॉल्यूशन दूसरा तीसरा सॉल्यूशन उठाकर उसके अंदर दूसरा एंजाइम ऐड किया, जो डीएनएज एंजाइम है, ये वो एंजाइम है जो डीएनए को डाइजेस्ट करते हैं। जब उसको ने इसके अंदर डाल दिया तो डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ, डीएनए डाइजेस्ट हुआ, नो डीएनए, जिसमें डीएनए नहीं है उस सॉल्यूशन को नीचे उठाया, उसके अंदर रब सेल्स डाल दिया, रब जिंदा सेल्स डाल दिया, रब स्ट्रेप्टोकोकस डाल दिया, तो वहां पे जो है ये सेल्स अपीयर नहीं हुआ, यहां पे कुछ नजर नहीं आया। तो हम इस तरह लिख सकते हैं कि नो एस सेल, यहां पे एस सेल अपीयर नहीं हुआ, चीजें ट्रांसफर नहीं हुआ, नॉट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर्स, इसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर नहीं हुआ। तो यहां से बात क्लियर हुआ कि डीएनए जो है ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रहा है। हमने पहले प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को भी खत्म किया, लिपिड्स को भी खत्म किया, आरएनए को भी खत्म किया, प्रोटीन को भी खत्म किया, फिर भी वो सारा जो है एस सेल बन रहा था, यानी जीन्स ट्रांसफर हो रहा था, डीएनए ट्रांसफर हो रहा था, जो है करेक्टर्स ट्रांसफर हो रहा था, ये सेल बन रहा था। जब लास्ट में हम लोगों ने डीएनए खत्म किया, डीएनए जो है डीएनए खत्म हुआ, तो वो जो है ट्रांसफॉर्मेशन भी रुक गया। तो इस बात से इस तीन साइंटिस्ट ने बहुत अहम काम किया, उसने कंफर्म किया, सो दे प्रूव दैट डीएनए इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन। इस तीन साइंटिस्ट ने इस चीज को प्रूव